जय जगन्नाथ। श्रीक्षेत्रे विराजित ब्रह्मांडनाथ श्री जगन्नाथ लीला खेला देखि विस्मित हुए सारा जगत। प्रतिदिन द्वार फिटठ आरंभ कर रात्र पहुड़ पर्यंत केते लीला खेला रचंती श्री जगन्नाथ। पुणी बार मास रे तेरजत देखि विस्मित हुए सारा जगत। क्यों आवाहमान काल रु आज पर्यंत एही रीतिनीति रे केबे मध्य व्यतिक्रम होइना हि। श्री जगन्नाथ को ए जाति देछि राजाधिराजर महत्व राजाधिराजर आख्या एवं सेवा पूजा करी अनेक निजक धन्य मन करते। छतीसा निज खंजा हो श्री जगन्नाथों पर यह भितर कि कनिष्ठ सेवायत अच्छा जो मैंने निरवच्छिन्न भाव में निज पार पणिया दे चली सेवा पूजा मणिमा महिमा आज देखा बड़ दिंक पुनी सेवक। नहि तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना से वैकुंठरे थांति ना से जोगी ऋषि मनीषिंक हृदय कंदरे थांति बरम भक्त जेउठि जेमिति डाकि दिए सेइठि पहुँच जान्ति परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ। से भावनार ठाकुर चेतनार ठाकुर समर्पणार ठाकुर सेथि पाई तो से जगतर नाथ जगन्नाथ। से जगन्नाथं का धर्म संस्कृति और परंपरा किंवदंती रे सेवा और सेवकों का गुरुत्व सबुठु अधिक। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथं का सृष्टि आज मध्य एक रहस्यमय अध्याय होई रही अछि। किंतु से जे चारि युगर देवता सेथिरे संदेह नाही। किंवदंती कहे श्री जगन्नाथं का आद्य रूप नीलमाधव रूप रे सबर राजा विश्ववसुतां का सेवा पूजा करुथुले घोर जंगल भितरे। तापर इंद्रद्युम्न द्वारा तंकर दारू प्रतिमा निर्माण हेला एवं श्रीमंदिर प्रतिष्ठित होई सही कालरु तंकर उपासना करा दउचे। केवल मनुष्य नुहे बरम देवता मुनि ऋषि माने मध्य लीलामय पुरुषोत्तमक सेवा करंती बोली विश्वास करा जाए। महाप्रभुंक सेवकंक मध्यरे एक स्वतंत्र स्थानर अधिकारी होउछंती दैतापति सेवायत वर्ग। एमाने महाप्रभुंक कुलरे जन्म बोली विश्वास करंती। दईता माने विश्वावसु कुळरे एवं पति अर्थात प्रति महापात्र विद्यापति वंशज बोली कुहा जाए। महाप्रभुंकर एमाने परम अंगलागी सेवक। स्नान पूर्ण मिठर नीलाद्री विजय पर्यंत एमाने महाप्रभुंक अति गुरुत्वपूर्ण सेवार अधिकारी। दईतापति सेवक हिसाब रे आमर एक दिन गोटे छुआ जदि जन्म हुए एक दिन पर सी भगवान पाखे जा दर्शन कर सेवे निजुक्ति होता है। ता अर्थ तार दईतापति सेवा हिसाब से पूर्ण प्राप्त जी सेवा करती वयस्क लोक हो 18 वर्ष को ऊर्ध हो से माने जी पैसा पाती तार अधा पैसा से एक दिन पर जो दईतापति छोट पिला महाप्रभु पाखरे जाकर दर्शन करी निजर अधिकार सब्यस्त करे ताकू मध्य से सम्मान हिसाब से तार अधा प्राप्य ताकू दिया जाए। एटा परंपरा आम लगी रही या संगे कौन सी परीक्षा देवा पड़ी ना अन्य मानक सेवा दैत सेवा भिन्न अन्य मानक सेवा तो पारंपरिक भावे वंशानुक्रमिक सेवा कि दैत मान गोटे पिला जन्म हो गले एकगले से तादर सामिल हो जाए तार से भाग पाँच तार से करके केवल गईता से मैंने मसे काल सेवा करती वर्ष सारा समुद्र सेवा न थाए अन्य सेवक मान वर्ष सारा सेवक थाए आईटा है हेरिटेज रईट से वंशानुक्रमिक सेवा यहाँ आ गईता मान परंपरा अच्छी जो मैंने गोटे एक दिन होगा से पिला ताटे आने छुँती सेवा आरंभ हुए भिन्न। विश्वावसुकूले जन्म जहार बोलांती दईतापति संभवतः दारुब्रह्म उत्पत्ति एवं आद्य समय सहित संपर्कित दईतापति सेवक। श्रीविग्रह मानकर एमाने होउछंती प्रमुख अंगलाकी सेवक। दईता सेवायत गोष्ठीगत भाव सेवा संपादन करते। महाप्रभुंक महार्घ गुप्त सेवार अधिकारी होउछंती दईता। ये होउछंती महाप्रभुंक दुई दईतापति सेवक ना अनुभव दास महापात्र और आशुतोष दास महापात्र। दईतापति कूल जाँला भाई अनुभव और आशुतोष
बयस कम हेले भी सेवा करिवार इच्छा ढेर। जन्मर एकुश दिन ठारु सेवक तालिकार ना उठिबा परे से निरवच्छिन्न भावे जोगाई आसिछंती सेवा पूजा। अणसर समय रे गुप्त उपचार रे सामिल हेबाटु आरंभ करी श्रीविग्रह मानंकर नवदिनात्मक यात्रा रे एमाने श्रीविग्रहंकर अंगरक्षक भावे कार्य करंती। जेतेबेळे आसतिली एडिकी जगन्नाथ आशीर्वाद रे मु आसतिली जेतेबेळे मो जेजे नेकी जाइथले अणसरोवर को महाप्रभु तळे मु समर्पण होइथली। सेठी हला परे तापरे मु महाप्रभु डाकिथली, महाप्रभु मु आपण सेवारे रहली, आजिटु मो जीवन कला जाए रहली। महाप्रभु सेठु मु रूपा मुद्र सेठी दान करिकी सेठु मु बाहर को आसिकी तापरे मु तार वर्षटु सेवारे लागिली। स्कूल तो ताबाटे चलती सेवा तो ताबाटे चलती सेवा मत कर बहुत भल लगे। मोर बहुत भाग्य सेवा करवाटा महाप्रभु प्रति बहुत मुझे सब पौढ़ जाए सब महाप्रभु को देखे न देखे मुझे रही पारे। बहुत खुशी लगुला छोट बेले मुझे सेवा करी फास्ट मुझे दिवों तेल लगे करी मत बहुत आनंद लगला। तापर ओष लगे कली तापर चका विजय कली तापर राजप्रसाद धरिकी जाइली महाप्रभु रजा पाक रजा पाक गलापर तापर मुझे आसिक बहुत खुशी होती। प्रथम सेवा जो कहबनी आम एक दिन होती से आमको होता आम कहीपरुन जमी आमको दिने दिन आग्रह बढ़ी चलला सेमती जगन्नाथ महाप्रभु सेवा आनंद लगला सेवार आग को सेवा ना पाठ पढ़ा आम ध्यान दौ रथयात्रा मसटा बेस ध्यान दौनु ना पाठ पढ़ा ध्यान दौ। दैतापति परिवार परंपरा बेस नियारा। श्रीमंदिर अन्य सेवायत मानंक मध्यरु अधिकांश सेवायत उपयुक्त बयस प्राप्ति हेले अबा व्रतोपनयन परे सेवा करंती किंतु दैतापति क्षेत्र रे एथिरे व्यतिक्रम देखा जाए। एमानंक वंश रे पुत्र संतान जन्म होई एकुईश पालन हेबा परे परे दैत पिलाटी सेवा पई योग्य होइथाय। कुनी कुनी दैत पाट पिंधि निज बापा अजांक सहित श्रीमंदिर को जांती अणसर घरे श्रीजीव मानंकु दर्शन करिबा सहित सेवा करिवार कला सिखंती। से होचंती दैतापति सेवा भितरे प्रथम जालपुत्र भगवान दत्त कहिले चले भगवान देचंती से सेवारे मध्य ए प्रकार भगवान आशीर्वाद तांको ऊपर रहिछि। प्रत्येक कार्य से मो सांगेरे रहिकिरि उपास रहिकिरि जगन्नाथक सेवा करिबा पई तांकर अत्यंत आग्रह प्रकाश थाए एवं भक्ति थाए जे आमे खाऊ न खाऊ राति अनिद्रा हो पछे महाप्रभु पाखरे रही जेजेबाबा सांगरे सेवा करिबु सेवार मनोवृत्ति तांकर पूर्ण मात्रा रे रहिछि बेली मोर अनुभव। दैतापति सेवा भली रथर आउ एक प्रमुख सेवायत होती रथ विश्वकर्मा। एमने पुरुषानुक्रमिक भाव रथ निर्माण कर पूर्वज मैंने रथ निर्माण आरंभ कले कही जाणिना शताब्दी शताब्दी धरी ए विश्वकर्मा दायद रथ या मन मगजरे छापी हो रही महाप्रभु विशाल रथर सूक्ष्म सूत्र। छोट बेले हेतु आसला दिन ही एमने रथ निर्माण में निजक करते सामिल अक्षय तृतीय तिथि रथ अनुकूल ठारु नियमरे चले प्राय 58 दिन अक्लांत परिश्रम। बैशाखर झांझी हेउ अबा आषाढ़ दृष्टि एमानंकु केबे अटकाई पारिनि कारण खोद विश्वकर्मा बा मुख्य रथकार अनुभव करंती सेमाने केवल सेवक मात्र ए रथर रथी जे से परम ब्रह्म ही रथ को देउछंती अपरूप सौंदर्य। केवल समर्पण रे ही महाप्रभु संतुष्ट हुंती से समर्पण भाव नहीं सेवा जोगाई थांती किछि कुनि रथ सेवक। आमर उपकार सेवा आम दादा बड़वा शिखेले नियण धरिया को डर लगुला आस्ते आस्ते धरले शिखिलु तापर 8 वर्ष होमें कर कणबुज प्रति कण रे लगे कणबुज दुआर बड़ा नाट से करसु
सिंहासन महाप्रभु चार पर्चा ए जोड़ा प्रभाव आम कर दिखा पक्षपटे यहाँ लगे परीक्षा थी समय भी आम सेवा निहाती देखो दरकार परीक्षा देखिए आसिक सेवा भी करमर तो यहाँ पारंपरिक सेवा मुझ पिला बाबा दादा सहित आसे आने गाड़ी दिखती गाड़ी दिखते आम तापर खुद कम करूँ आ शिखा कम आम शिखु बसिकी आ भूल भटका सी बता एम सब कम चलो आम तो नृसिंह जन्म ठूँ आमर कण पूजा आरंभ हो कम से अनुसार चालू हो जाए कितु आमर यही जून मस मे जून मस परीक्षा स्कूल न थाए से आम टे फ्री भी हो ठीक सेवारे टे टाइम दे पार कम कम शिखा को भी आसपार पुणी सेवकटीए जो हाथ में पेन धरी स्कूल जाऊँगी रथ कम बेले से हाथ में लिहण धरुच रथ कम भूल कले संशोधन करती बड़ मैने धीरे धीरे कुनी कारीगर टीए हो जाए धूरीन देखी देखी कम शिखे आम शिखी करे रथ सेवा आ सब कम करो बाबा फास्ट टीआ चे चल शिखी तापर बटाली एमती कर आगुआ कम कला बेल हाथ टा खस जाऊला से बाबा दादा बड़वा सब शिखला मोर है आ हाथ खसुनि कि डर लगुन आम पिला माने भी आसंती जो सी छ वर्ष टू माने एडमिशन नियंती माने ट्रेनिंग प्राप्त किंतु आमे जहाँ पाइबु सी पिलाने भी से पाइबे कारण तर उत्साह हेनी तेणु से दि जाए से मान आम जहाँ बेटीटा पाऊ से भी बेटी से प्रकार पाइबे पाइला सी सब कम को आस्ते 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 आगे आगे एटा पर्यटन आसवे कौन पूर्वर बेठी भाव रथ सेवा जोगाउथले सेवायत अधा पारिश्रमिक कुनी रथ कारीगर टीए छ वर्ष जोगाई थाए रथ सेवा हाथ में निहण बारिशी धरी पहुंच जाए रथ खड़े भूल हेले बताऊ तर आम देखा यहाँ कर सब ये काम हुए से बतवा ही जापारती आ कि असुविधा ना से पाने पा आसबे भी नुह तो ए प्लस टू सेकेंड इयर एम पढ़ले समस्ते प्राय सब पिला से पाँच छः वर्ष आसिक से ही जिनस ये घोष जात्रा जमी कहती ये घोषा कम जिते कम को आम कंसा हूँ बर्तन हूँ जिते माजिबा से ग्लेज देखा तेणुकर यम को लेकिन आम के सुंदर करा कारीगर उपर डिपेड महाप्रभु आशीर्वाद दरकार कुनी दईता हूँ कि रथकार समस्त निष्ठार सहित करती सेवा पूजा कुनी सेवकटीए प्रत वर्ष सेवा प्रदान कर आगक हो जाती अभिज्ञ केवल प्रत्यक्ष सेवा नुहे परोक्ष भाव सेवा जगेबापी व्याकुल थानेक किसी ओडिसी नृत्यशिल्पी किभली ओडिसी नृत्य माध्यम नृत्यांजलि अर्पण कर देखा यह विरती पर पुराण किंवदंती अनुसार चारि जुगरे नृत्यर प्राधान्य रही आसी कहुए जे शिव तांडवर नृत्यर आदि होन्तु ओडिशा होउछि नृत्यर अंतुड़ीशाल अर्थ कहीं क्यों कालर श्री जगन्नाथों पाखे देवदासी नृत्य हो एवं ओडिसी नृत्य आज देश विदेश में प्रसिद्ध लाभ कर नृत्यशिल्पीटे आज अनेक खुशी अनुभव करुच्ची ए श्री जगन्नाथ निकट में नृत्य परेषण करनी कुनी नृत्यशिल्पी मैंने बड़दाण में ओडिसी नृत्य परेषण कर महाप्रभु आमर परम रसिक ठाकुर नृत्य संगीत परम सराग आम जातिर संगीत सृजन को परम ब्रह्म अमृत स्पर्श ही करिछि विश्वरे अनन्य महाप्रभु समस्त सेवा पुरुष सेवक माने संपन्न करुथुबा बेले केवल संगीत और नृत्य सेवा निमन्ते महिला सेविकांक व्यवस्था रही थिला नृत्य करुथुबा सेविका देवदासी एवं गीत गोविंद गायन करुथुबा सेविकांक कुहा जाउथुला गाहाणी नृत्य संगीत पई थिबा सेवायत निजोग को संप्रदा निजोग बोली कुहा जाए
ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦାସୀ ଓ ମାହାରି ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତି କୁନି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନୃତ୍ୟ, ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ବା ବଡ଼ ପିଲା, ବଡ଼ କଳାକାର ବା ଛୋଟ କଳାକାର ତାହା ନୁହଁ, ଯିଏ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଇ ଶୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିବେଷଣ କରୁ। କାରଣ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଥା ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ତାକୁ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ସେ ନୃତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏହି ତିନି କୁନି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତା, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ବୟସ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ, କିଏ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗେନି, ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ, ସେ ବେଳାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମିତିରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅନେକ ଥର ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ନିଆରା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଲାଗେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନାଚ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମୋ ନାଚ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କୁନି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଅଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଗୁଆଲି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପର୍ବରେ ମୁଁ ନାଚେ। ଆଉ ଏବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନାଚ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଥରକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମେ ପୁଣି ନାଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରଥଯାତ୍ରା, ସାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଗୁଆଲିରେ ମୁଁ ନାଚେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ରଥଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା, ଝୁଲଣଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କିଛି କୁନି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ନୃତ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଭାଗ୍ୟର କଥା, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ରସିକ କାଳିଆ ଠାକୁର, ତେଣୁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି ଢାଳିବା କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ଅନେକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଛୋଟବେଳୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ଚାପ ଭିତରେ ବି ରଥ ଆଗରେ ନାଚିବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଉ, ଆମର ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ନିଜତ୍ୱ କହିଲେ ଚଳେ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଖରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ କାହାକୁ ମିଳେ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁକା ନଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 8ରୁ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ, ବୋଉର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ନାଚୁଥିଲି, ଘରେ ଡ୍ରେସ୍ କରିନଥିଲେ, ବୋଉର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲି। ତା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗାଇବା, ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଲଗାଇବା, ଯିଏ କବି ଝିଅ ପିଲା ନାଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଚିବା କ'ଣ ଅଛି? ସେବା ମୋର ନିଜର ଅନ୍ତରର ଦେବତା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମୋ ପ୍ରାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି, ସେବକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି। ଏମିତି ବି କିଛି କୁନି ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେଦ, ଶ୍ଳୋକ ଓ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବାରେ ଓସ୍ତାଦ। ସେମିତି ଜଣେ କୁନି ସେବକ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହିର ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା। ବୟସ 11, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ବ୍ରତୋପନୟନ ପରଠୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ସବୁକିଛି ମୁଖସ୍ଥ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ। ସେହିପରି ମହର୍ଷି ସାନ୍ଧିପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେଦବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଜିଅର ସ୍ୱାମୀ ମଠରେ ଏମିତି ଅନେକ କୁନି କୁନି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେଦପାଠ, ଶ୍ଳୋକ ପାଠରେ ଧୁରନ୍ଧର। ବେଦଶିକ୍ଷା ସମେତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାମୃତ ଜାଣି ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ। ବଡ଼ ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇବି, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ବନ୍ଧେଇବି, ଭଗବାନ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ହେବି, ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ବି ସେବା କରିବି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ସେବା କରିବି। ମୁଁ ବେଦ ପାଠ କରୁଛି, ଆଉ ବି ମୁଁ ଋଗ୍ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ଆଉ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି କଳା ସ୍ମୃତି କଳା ସ୍ମୃତିକାର
आगुकु बढ़ाइबा पई आमे वेद अध्ययन करूछु। एठे जीर समरे चारटा वेद अछि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारटा वेद खुला हेछि आम मानव संस्थान मंत्रालय द्वारा। दफ्त शिक्षक माने वेतन भी आफुछि, पिल्ला माने खाइबा पई किछि वृत्ति मते प्राप्त होछि, पिल्ला माने खर्च पई किछि प्राप्त होछि। वेद रक्षा करबा पई आम हिंदुस्तान ने भारत सरकार, ओडिशा सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जोर शोर लागी वेद रक्षा, वेद रक्षा जगत रक्षा। एमाने हेउछन्ती आगामी भविष्यत, किए बापा अजांको हाथ धरी रथ निर्माणर कला कौशल शिखुछन्ती, ताउ किए बड़ मानंको प्रत्यक्ष तत्वावधान रे सज हेउछन्ती भविष्यत पीढ़ी पाई। केउठी रथ खोला रे कुनी हाथ शिखुछि विश्व नियंतांक रथ निर्माण कला, आउ किए कुनी पादरे घुंगुर पिंधि ठाकुरंक पाखरे बाढ़ुछि नृत्यांजलि। एमाने समस्ते हेउछन्ती बड़ दियंक जणे जणे कुनी सेवक। वरिष्ठ हुंतु किंबा कनिष्ठ, बड़ हुंतु किंबा कुनी, समस्ते श्रीजूंक पाखरे समर्पित, निज निज ढंगरे सेवा करिबा पई व्याकुल थांती समस्ते। समय सरिछि, मणिमा महिमा को एठी रखुछु। जय जगन्नाथ।